सुविधाओं को और तेजी से बढ़ाया जा रहा है। साथियों, आज भारत के पास भले सीमित संसाधन हो, लेकिन मेरा भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, मेरे नौजवान साथियों, आप आगे आए। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाए। साथियों, हम धैर्य बनाकर रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त करके ही रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त करने से पहले मैं आपका साथ मांग रहा हूं। सात बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है। उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करें लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकाले। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। साथियों, इन सात बातों में आपका साथ, ये सप्तपदी विजय प्राप्त करने का मार्ग है। विजय होने का हमारे लिए निष्ठापूर्वक करने वाला यह काम है। पूरी निष्ठा के साथ 3 मई तक लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। जहां है वहां रहें, सुरक्षित रहें। वयम राष्ट्रे जागरया, हम सभी राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखें। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपको, आपके परिवार को उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।